नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मीडिया पत्रकारों के लिए मीडिया परिसंवाद का आयोजन। बीके ओम प्रकाश की छठवीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी। धमतरी सेवा केंद्र द्वारा 9 दिवसीय निःशुल्क अलविदा तनाव मुक्ति शिविर। लोगों को बताए खुशनुमा जीवन जीने के तरीके। देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रमों का शानदार आगाज। भोपाल में संस्था ने बाइक रैली निकालकर किया लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक। और श्रीलंका के पुटलम हिंदू सेंट्रल स्कूल में मेंटल हेल्थ फॉर अ हैप्पी लाइफ के महत्व विषय पर वर्कशॉप। बच्चों ने जाने मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी टिप्स। दूसरी खबर सांस्कृतिक विरासत में समृद्ध छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां मीडिया पत्रकारों के लिए मीडिया परिसंवाद का आयोजन किया गया। ये परिसंवाद संस्था के मीडिया प्रभाग के पूर्व अध्यक्ष बीके ओम प्रकाश की छठवीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया। मूल्यगत मीडिया और वर्तमान चुनौतियां विषय के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में जन संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव शर्मा, दैनिक भास्कर के संपादक शिव दुबे, परिसंवाद की अध्यक्षता रहे वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर, रायपुर की क्षेत्रीय निर्देशिका बीके कमला, इंदौर जोन की प्रमुख संयोजिका बीके हेमलता समेत कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। मानवीय मूल्यों के बिना मीडिया का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। जग को सुखी बनाना, दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना, यह पत्रकार का काम होना चाहिए। ये बात कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर बलदेव शर्मा ने अपने वक्तव्य में कही। जो मूल्यों की बात करने वाला आदमी है, जो जिंदगी की अच्छाई की सकारात्मकता की बात करने वाला है, जिसको हम ना समझ कहते हैं, मित्रों इंसानियत को बचाना है, दुनिया को बचाना है, तो थोड़ी बहुत ना समझी अपने अंदर लानी चाहिए, नादानी लानी। इस कार्यक्रम में कोरोना काल में पत्रकारों के साहस के साथ साथ अतिथियों ने अपने वक्तव्यों में मीडिया की भूमिका पर खास ध्यान खिंचवाया। मीडिया का मूल्य क्या है, हम इस पे बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं, हम अपने मूल्यों की चर्चा नहीं करते हैं, चर्चा करते हैं सामने वाले से। हर व्यक्ति चाहता है कि क्रांति सामने वाला करे, हम अपने घर में ऐशो आराम में रहें, हम अपने कंफर्ट जोन में रहें और अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए समाज में बदलाव की उम्मीद करते हैं। आज ये सबसे बड़ी जरूरत है कि बच्चा हमारा पैदा हो तो स्वस्थ हो, ये तो एक चीज है, नैतिक रूप से भी स्वस्थ हो, आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ हो, ये सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ बी के सदस्यों ने मीडिया को समाज का दर्पण बताते हुए पत्रकारिता में आध्यात्मिकता का समावेश करने की बात कही। चाहे चुनौतियां कितनी भी हो, परिस्थिति जो भी आए, लेकिन पत्रकारिता को अपना जनहित का जो मूल उद्देश्य है और जो मूल्यबद्धता का जो आत्म तत्व है, उससे कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है हर एक से अपना बन जाए। अगर दुनिया में हमको सफलता पूर्वक बनना है, मेरे अंदर ये हो, सब अच्छे है। इसके साथ ही जनरल बिपिन रावत समेत 13 शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं धमतरी सेवा केंद्र द्वारा 9 दिवसीय निःशुल्क अलविदा तनाव मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आध्यात्म जीवन शैली को अपनाकर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, हृदय रोग और तनाव से स्वयं को मुक्त करना है। इस मौके पर तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बी के पूनम, विधायिका रंजना साहू, महापौर विजय देवांगत, दैनिक सांध प्रखर समाचार पत्र के संपादक दीपक लखोटिया समेत संस्था के कई पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस सुंदर मौके पर बीके पूनम ने तनाव को सदा के लिए अलविदा करने के लिए प्रैक्टिकल एक्टिविटीज कराई, जिसका सभी ने भरपूर आनंद लिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रमों का शानदार आगाज हो गया है। हर भारतवासी अपने देश के प्रति अलग अलग प्रकार से सेवा कार्यों में जुटा हुआ है।
ऐसे ही घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने हेतु जागरूक किया गया। भोपाल के गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा बाइक रैली निकाली गई, जहां लोगों को कोविड-19 की वैक्सीनेशन के प्रति दूसरी डोज लगाने के लिए जागरूक किया गया। क्योंकि भारत में अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन का पहला डोज भी नहीं लगाया, ऐसे में संस्था ने लोगों को जागरूक करने के लिए यह कदम उठाया। बाइक रैली के उद्घाटन समारोह में भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जहां उन्होंने संस्था द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना की और सभी को वैक्सीनेशन के लिए सचेत किया। इसके साथ ही भोपाल नगर निगम पार्षद सीमा यादव, रोहित नगर के गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना मुख्य रूप से उपस्थित रही। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओडिशा भुवनेश्वर सेवा केंद्र पर पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एवं मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित प्रमोद भगत मुख्य रूप से पधारे, जहां बीके गुलाब ने उनका स्वागत तिलक और शॉल उड़ाकर किया। इस मौके पर प्रमोद भगत ने अपने अनुभव शेयर करते हुए कहा कि जब भी मैं यहां आता हूं, एक शांति अनुभव होती है जो मुझे हर चुनौती को सामना करने में मदद करती है। तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल रावत समेत 13 शहीदों की आत्मिक शांति के लिए सामूहिक रूप से मेडिटेशन किया गया। गोल्ड मेडलिस्ट प्रमोद भगत और संस्था के सदस्यों ने उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सिंह समेत 12 जवान शहीद हुए। उनकी आत्मिक शांति के लिए पूरे देश में श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन लगातार जारी है। ऐसे ही नई दिल्ली के चाणक्य सेवा केंद्र पर जनरल रावत समेत 13 शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर से कर्नल आलोक शुक्ला, बीआरओ की एक्स जॉइंट डायरेक्टर बिंदु सहगल, दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार त्यागी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ब्रिंदा उपस्थित रहे। इस सभा में उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रख एवं कैंडल जलाकर शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि दी। ऐसे ही बिहार के समस्तीपुर सेवा केंद्र पर भी सभी वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशरथ मिश्र, 12 बटालियन के सूबेदार मेजर केएम थापा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस सभा में मौजूद अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए शहीदों को याद किया। अब खबर एक नजर में। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से चांदपुर सेवा केंद्र के प्रभारी बीके साधना ने की मुलाकात। भारत सरकार के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एवं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को भेंट की ईश्वरीय सौगात। गोवा लिबरेशन डे के अवसर पर क्रिकेट मैच का किया गया आयोजन, जिसमें पणजी सेंटर एवं पोंडा सेंटर के बीच हुआ क्रिकेट मैच। ब्रह्मा कुमारी संस्था के स्पोर्ट्स प्रभाग एवं पणजी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस मैच का लिया सभी ने आनंद। प्रतिभागियों को बीके सदस्यों ने किया शील्ड देकर सम्मानित। एमपी के हरपालपुर सेवा केंद्र द्वारा हरपाल सिंह शासकीय महाविद्यालय में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन। मूल्यनिष्ठ समाज का आधार आध्यात्मिक शिक्षा विषय पर कार्यक्रम। कार्यक्रम में प्रोफेसर डीएस परिहार समेत टीचर्स एवं छात्र छात्राएं रहे उपस्थित। संस्था के सदस्यों ने हर फील्ड में आध्यात्मिक शिक्षा को बताया जरूरी। बीके आशा ने उपस्थित टीचर्स एवं छात्र छात्राओं को कराया मेडिटेशन, जिसके बाद सभी ने की शांति की अनुभूति। ऐसे ही मध्य प्रदेश के पन्ना सेवा केंद्र द्वारा बच्चों के लिए मॉरल वैल्यूज पर कार्यक्रम। शासकीय हाई स्कूल में बच्चों को दी नैतिक मूल्यों की शिक्षा। बीके सीता ने परीक्षा के भय से मुक्त रहने की दी टिप्स। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य एवं समस्त शिक्षण गण रहे उपस्थित। यूपी के मैनपुरी सेवा केंद्र और संस्था के ज्यूरी स्विंग द्वारा आयोजित परमात्मा अनुभूति मिलन कार्यक्रम, जिसमें अधिवक्ताओं ने लिया भाग। मुख्य अतिथि के रूप में जिला अधिकारी श्री अविनाश कृष्ण सिंह रहे मौजूद। आंध्र प्रदेश के गुंटूर सेवा केंद्र पर नए वर्ष के लिए गेट टुगेदर। सेवा केंद्र पर MLC KL एपी रेड्डी, GDCC बैंक के चेयरमैन रामू समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की।
श्रीलंका के पुटलम जिले के हिंदू सेंट्रल स्कूल में मेंटल हेल्थ फॉर अ हैप्पी लाइफ के महत्व विषय पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के बी के सदस्यों ने बच्चों को मानसिक रूप से रिलैक्स रहने के लिए एवं लाइफ को टेंशन फ्री रखने के लिए डेली आधा घंटा मेडिटेशन करने की सलाह दी। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।